हेलो फ्रेंड्स, आज मिक्स हैंडी में बनाने जा रहे हैं बेसन भरवा चटपटी हरी मिर्ची। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर एक कड़छी ऑयल ले लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी बेसन। अब इसको हम भूनना शुरू करते हैं। इसको हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और हमें इसको जल्दी जल्दी लगातार चलाते रहना है ताकि बेसन जल ना जाए। और ये देखिए, इसको लगातार चलाते रहना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इसके अंदर गांठे नहीं पड़नी चाहिए। इसमें हम सीक्रेट मसाला डालेंगे जिससे ये बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी बनकर तैयार होगी। और ये बेसन जो है वो भुन चुका है पूरी तरह से। अब इसके अंदर हम मसाले डालना शुरू करते हैं। स्वाद अनुसार यहाँ पर डाल देंगे हम नमक और आधा चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। आप तीखा खाते हैं तो और भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर। इसको हम लो फ्लेम पर भून लेंगे ताकि जो हल्दी और मिर्च हैं वो अच्छी तरह से भुन जाएं। ये देखिए, ये है हमारा सीक्रेट मसाला, आम के अचार का मसाला, जो कि अक्सर घरों में बच जाता है। इसको हम दो चम्मच इसके अंदर डाल देंगे जिससे कि मिर्च का स्वाद दोगुना हो जाएगा और ये बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी बनकर तैयार होगी। यहाँ पर हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये इस प्रकार की बनकर तैयार हो जाती है और इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। और जो मिर्च हैं उनको अब हम तैयार कर लेते हैं। अब इन मिर्चों के अंदर हम एक एक कट लगा लेंगे सभी मिर्चों के अंदर। इसके अंदर हम सारा जो मसाला है जो हमने तैयार किया था वो भर देंगे। मसाला ठंडा हो चुका है और इसके अंदर हम ये मसाला भर देते हैं। अब इसको हमें शैलो फ्राई करना है। यहाँ पर एक कड़छी ऑयल ले लेंगे और उसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे इन सभी मिर्चों को। ये देखिए, एक मिनट के लिए हम इन मिर्चों को शैलो फ्राई करते हैं और अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए, अब इसको हम पलट रहे हैं और ये हमारी जो मिर्चें हैं वो तैयार हो जाएंगी बन करके। बाकी जो हमारे पास जो मसाला बचा था उसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, इसको भी इसमें मैंने यहाँ पर डाल दिया है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर और चटपटी बनकर तैयार होंगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।